हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक क्लास टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन वन अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ओवर फीडिंग जो है हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिस्ट की द स्टोरी अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी रिवोल्व अराउंड ए नील डॉग नेम्ब रिकी ये जो स्टोरी है अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी ट्राइफ का मतलब होता है विक्ट्री सर्जरी की विक्ट्री के टाइटल के नाम से जो ये स्टोरी है वो हमें एक डॉग के बारे में बताती है जो काफ़ी बीमार था एंड हीज़ मिस्ट्रेस मिसिज पम्फरी मिसिज पम्फरी उसकी मिस्ट्रेस थी जिसने उसे पाला था द पेट डॉग ट्रिकी इज़ ओवर फेड विद कॉपियस अमाउंट ऑफ एनर्जी फूड बाई इट्स ऑनर बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसे एनर्जी फूड जो है वो दिया जाता था मिसिज पम्फरी द्वारा जिस वजह से वो बीमार हो गया शी प्रोवाइड्स ऑल काइंड ऑफ लग्जरी एंड कम्फर्ट्स टू हर डॉग दिस मेक्स इम वेरी ओबीज एंड ही ओवर वेट बॉडी फाइंड डिफिकल्टी इवन टू वॉक एंड मूव अराउंड अलग अलग तरह के लग्जरी प्रोडक्ट्स कम्फर्ट्स वाले प्रोडक्ट्स उसे खाने के लिए मिलते थे जिस वजह से वो काफ़ी मोटा हो गया और ओवरवेट हो गया और बहुत ही ज़्यादा उसे डिफ़िकल्टी होने लगी इधर उधर घूमने में वन डे ट्रिकी स्टॉप्स ईटिंग ऑन हिज पैथेटिक कंडीशन मिसिज पम्फरी टेक्स अर पेट डॉग टू अ वेटरनरी डॉक्टर एक दिन ट्रिकी जो है उसने खाना छोड़ दिया तो मिसिज पम्फरी काफ़ी परेशान होगी और इसकी पैथेटिक दयनीय कंडीशन को देखकर मिसेस पम्फ्री उसे वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाती है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो पाए लेकिन ये जो वेटरनरी डॉक्टर है मिस्टर हैरियट उसे बिना किसी सिंगल मेडिसिन के ठीक कर देता है ट्रिकी इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड द डॉक्टर गिव्स ट्रिकी नथिंग टू ईट फॉर द फर्स्ट टू डेज एक्सेप्ट वाटर दो दिन तो उन्होंने उसे पानी ही दिया पहले तो हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइज किया और फिर पानी ही दिया खाना नहीं दिया दो दिन मोर ओवर ट्रिकी इज़ लेफ्ट विद ऑल अदर डॉग्स टू प्ले एंड गेट द मच नीडेड फिजिकल एक्सरसाइज अब इस डॉग को फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कराने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ छोड़ दिया गया दिस हेल्प हिम टू लूज़ ऑल हीज एक्सेस फैट इस वजह से उसका जो एक्सेस फैट था वो ख़त्म हो गया दर्ड डे साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आर सीन इन ट्रिकी तीसरे दिन ट्रिकी में इंप्रूवमेंट के साइन दिखाई देने लगे ही स्टार्ट टेकिंग फूड प्रॉपरली वो अच्छे से खाना भी खाने लगा ट्रिकी स्टार्ट रनिंग अराउंड एंड प्लेंग विद दी अदर डॉग्स केयरफुली ट्रिकी रन करना स्टार्ट कर देता है और दूसरे कुत्तों के साथ खुशनुमा अंदाज में खेलना भी स्टार्ट कर देता है सुन ही रिकवर्स कम्प्लीटली मिसेस पम्परी कंटिन्यूज इंक्वायरिंग अबाउट रिकी ओवर फोन एंड फील्स ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अ डॉक्टर फॉर हर पेट्स क्योर मिसेस पम्फरी कंटिन्यू करती है फ़ोन करना इंक्वायरी करती है ट्रिकी की हेल्थ के बारे में और अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है धन्यवाद एक्सप्रेस करती है डॉक्टर का जिन्होंने उसके पैट डोग की केयर की और उसका इलाज किया शी इज़ ओवर जॉयड एंड हर आईज आर फिल्ड विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस जब हमें खुशी होती है तो खुशी के आंसू तो आ ही जाते हैं वैसे ही कुछ हुआ मिसिज बम्फरी के साथ जो काफ़ी खुश थी और जब वो ट्रिकी को डिस्चार्ज करने आती हैं हॉस्पिटल से तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी शी कॉल्स दिस दी मैजिकल रिकवरी एज़ अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी वो इसे इस मैजिकल रिकवरी को एक ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी कहती है यानि कि सर्जरी का शल्य चिकित्सा का एक जीत कहती है लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये जो विक्ट्री है ये सर्जरी की नहीं है ऑपरेशन या अन्य तरह की मेडिसिन डॉ को ठीक करने के लिए नहीं दी गई बल्कि उसे ठीक करने के लिए उसका अत्यधिक मात्रा में खाना बंद कर दिया गया था अब यहाँ देखिए सर्जरी तो हुई नहीं पूरे लेसन में इस स्टोरी में सर्जरी का बिल्कुल नामो निशान नहीं है लेकिन फिर भी टाइटल का नाम है ट्राइम्फ़ सर्जरी तो ये आयरनिकल टाइटल है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आयरनी वो होती है जब रियलिटी स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग हो अब यहाँ पे बात की गई सर्जरी की जीत लेकिन सर्जरियाँ हुई नहीं है तो ये आयरनी इसे कहा जाता है